हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर गेमप्ले वीडियो ऑफ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। ये हमारा रैंक सर्वर का पार्ट 3 है और दो पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अरे हाँ हाँ भाई, वही बात करने लगा हूँ। अब मैंने जो दो पार्ट अपलोड किए हैं उन पर मैं वॉइस ओवर नहीं कर सका क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और वीडियो जो है वो मैं ठीक से एडिट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया। और वॉइस ओवर करने का ना भाई, मुझे जो है वो जगह नहीं मिली जहाँ सुकून से बैठ कर ना मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो देन यार, इस वजह से जो दो वीडियोस हैं उन पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया। तो अब जो है वो हम बात करते हैं भाई हमारे थर्ड पार्ट की। और थर्ड पार्ट की बात करने से पहले भाई, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लाइक वाला बटन दबा दो और भाई बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अरे रुको यार, वीडियो की बात भी करते हैं लेकिन पहले तुम्हारी थोड़ी सी फ़ायदे की बात तो कर लें। जैसा कि यार आप लोगों को पता है कि हमारी जो चैनल की मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो गई है, यानी कि मेरी अर्निंग चालू हो गई है। तो अभी जो है ना यार, बहुत जल्दी ही हम जो है वो गिव अवे करने वाले हैं। जैसे ही मेरी अर्निंग कुछ ना कुछ होगी तो हम गिव अवे करने वाले हैं। तो यार उस गिव अवे का रूल ये है कि आपको मेरी अकाउंट पर जो, यानी कि मेरे चैनल पर शॉर्ट अपलोड कर रखा है उस पर जाकर अपना इन गेम नेम और आईडी कमेंट करना है। तो उस शॉर्ट का जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आपने वहीं जाकर जो है वो अपना नाम और इन गेम आईडी पेस्ट करनी है। तो यार मैं जिस वीडियो पे बोलता हूँ आप लोग उसी वीडियो पे जाके उसी के कमेंट में अपनी इन गेम आईडी और नाम पेस्ट कर देते हो। तो भाई ऐसे नहीं, यानी कि उसी शॉर्ट पर जो कमेंट्स होंगे वो ही काउंट होंगे। तो चलो अब हम करते हैं भाई हमारा जो आज का थर्ड पार्ट है रैंक सर्वर का, उसकी बात। तो भाई देखो, ये एक रशियन स्क्वाड था और इन लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा तंग किया भाई। तंग क्या करना था भाई, इन लोगों ने हमें जलील किया। यानी कि भाई डे वन पर मैका और ये वो, यानी कि इधर उधर के भाई और पैट्स वगैरह, डे वन पर ही भाई फ्लाइंग हॉर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ बना रखा था इन लोगों ने। यानी कि भाई बहुत ज़्यादा तंग किया इन लोगों ने हमें। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं स्टार्ट में जो है वो तकरीबन थोड़े से घंटे सर्वर में खेला था और उसके बाद मैं चला गया था जंप सर्वर में। और जंप सर्वर से जब मैं फ्री होकर आया हूँ तो भाई मुझे मेरे टीममेट्स वगैरह ने बताया कि भाई ये लोग ना बहुत भुदक रहे हैं सर्वर में और तकरीबन ही बंदों को जो है ना वो किल कर रहे हैं, यानी कि मैका वगैरह यूज़ कर रहे हैं और टैलेंट भी जो है वो खासा है इन लोगों पे। तो जब मैं आया हूँ, मैंने आकर इनके आवर्स वगैरह चेक किए तो भाई इनके 800 या 700 या 300 आवर्स थे और इन बंदों पे इतना ज़्यादा टैलेंट हो नहीं सकता था। तो यानी कि इन लोगों ने भाई काफ़ी ज़्यादा तंग कर रखा था पूरे सर्वर को। तो अभी जो है ना, मुझे इन लोगों पर हो रहा था डाउट। देन इन लोगों ने जब मैका यूज़ करना स्टार्ट किया तो अभी आप लोगों ने देखा भाई, इसको मैंने इतना मारा मैका पे लेकिन मुझे डैमेज ही नहीं रिसीव हो रहा था शेल का, और ये जो भी शेल मारा था उसका डैमेज मुझे रिसीव हो रहा था। तो इन लोगों को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ और इनको एक्सपोज करूँगा भाई प्रूव के साथ में। तो अभी जो है वो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये लोग आते हैं ड्रॉप पे 1 मेगा लेकर और हम आते हैं 2 मेगा लेकर और हम जो है वो इनको मार पकाते हैं। और चलो अब इनका जो है ना जल्दी से मैका फोड़ते हैं। अब इसने सोचा कि भाई मैं भाग जाऊंगा इनसे, लेकिन मैंने इनको भागने नहीं दिया। अब उसके पास था भाई क्विक फिट मैका और मेरे पास था प्रोपेलिंग लैग वाला, तो मैंने इस बंदे को पकड़ लिया और इसको नॉक करके जब मैका से बाहर निकाला तो भाई बहुत मज़ा आया। यानी कि ये जैसे मेरे टीममेट्स को मार रहे थे ना, ऐसे ही अब इन लोगों को मार पड़ रही है। और भाई पहले ना ये काफ़ी ज़्यादा बैटल पर बातें शातें करते थे और नूब नूब बोलते थे हमारे लीजन को, लेकिन भाई अब जब इन लोगों को मार पड़ने लग गई ना तो अब इन लोगों ने बैटल पे आना ही छोड़ दिया। अभी ये जो था हमारा फर्स्ट टाइम था और पहले भी जो है वो हमने इनको कुछ मारा, लेकिन इनका जो हमने मैका फोड़ा ना भाई, वो हमारा फर्स्ट टाइम था। देन अभी जो है वो ड्रॉप की लूट दिखाता है मुझे राय और कहता है कि भाई देखो ये लूट मिली है मुझे ड्रॉप में से। बस ठीक है, कुछ ज़्यादा खास लूट नहीं मिली, मैं जो है वो 10 पॉइंट का मेडल मिल गया और 2 गन्स मिल गई। अब उसके बाद मैं रूम ग्राइंडिंग कर रहा होता हूँ और एक्वा जाता है मिली में और ये कहता है कि भाई वहाँ पर ना एक बंदा एवेंजर किल करके भाग रहा है, क्योंकि एवेंजर का टाइम हमें पता था लेकिन एक्वा के जाने से पहले उसने एवेंजर किल कर लिया। और जब एक्वा को उसने देखा तो भाई इसने ना एक्वा को भी किल कर दिया। देन एक्वा जो है ना मुझे मैसेज करता है कि भाई जल्दी से मिली आओ, और तब तक ये भी मिली वाले बेस में से गन्स वगैरह और आर्मर उठा के दोबारा से पहुंच जाता है यहाँ पर और इस बंदे को देखने लग जाता है कि ये बंदा है कहाँ पर। तो अभी जो है वो एक्वा यहाँ पर मार्क करता है और मुझे बताता है कि भाई ये देखो सामने पानी में वो बंदा जा रहा है और इस बंदे को हमने पकड़ना है। अब मैं एक्वा से कहता हूँ कि भाई इसको हम बाहर निकलने देते हैं, लेकिन एक्वा कहता है कि भाई इसका बेस जो है ना वो पानी के साथ में ही है, तो ये जैसे ही पानी से निकलेगा तो ये चला जाएगा अपने बेस में, तो उससे अच्छा है भाई हम इस पे यहीं पर रश कर दें। तो चलो भाई, एक्वा ने जो है वो रश कर दिया, लेकिन एक्वा ने भाई उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन उस बंदे को डैमेज मिल ही नहीं रहा।
यानी कि बहुत कम कम डैमेज मिल रहा है, यानी कि टैलेंट वगैरह वाला सीन। और ये बंदा जो है ना वो एक्वा को कर देता है नॉक, और जब तक मैं पहुंचता हूँ तब तक ना ये काफ़ी लो होता है। तो एक्वा मुझे कहता है भाई तू इसको नॉक कर और मुझे फिर रिवाइव कर, लेकिन मैं जो है वो यहाँ पर एक्वा को रिवाइव नहीं कर पाता क्योंकि ये बंदा ना यहाँ पर सेल्फ यूज़ कर रहा होता है। और मैं सोचता हूँ कि भाई इस बंदे को ना मैं फिनिश कर दूँ, लेकिन इस बंदे पर ना यार एम नहीं बन रहा था मेरा और ये सेल्फ भी यूज़ कर रहा था। इसने जैसे ही सेल्फ यूज़ की और इस बंदे ने भाई दावा बोल दिया मेरे पे, और ये ना मुझे नॉक कर ही देता है। देखो भाई थोड़ी सी हील मेरी बची हुई होती है और मेरी गन आ जाती है रीलोड पे। अब सीन ये था कि भाई इसके पास थी तीन गन, एक MG3 थी, एक M7 थी और साथ में आई थिंक एक QBZ या फिर M4 थी। और इस बंदे ने रीलोडिंग ज़्यादा नहीं की, यानी कि गन्स ये चेंज ही करता रहा। और हमने जब रीलोडिंग की तो हमें जो है ना ये नुकसान हुआ इस बात का। अब देखो भाई थोड़ी सी हेल्थ है इसकी और ये उसी बंदे का टीममेट है। भाई हमारी जो हमने सेल्फ रेस्क्यू यूज़ की वो भी ज़ाया हो गई हमारी और ये बंदा मुझे ले ही गया। तो एक्वा जो है ना वो पहुंच चुका है वापस बेस पे मिलिट्री वाली पे और तकरीबन गन्स लेके वहाँ से निकल ही रहा है। और मैं उसे बताता हूँ कि भाई इसने जो है ना मुझे भी नॉक कर दिया है। तो भाई जैसे कहते हैं ना कि इश्क में और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो भाई ये भी एक किस्म की जंग ही है। देन मैं निकालता हूँ मैका अपने मिली वाली बेस में से और पहुँच जाता हूँ भाई इस बंदे पे। अब एक्वा जो है ना वो इसके ऊपर आ रहा था और देख रहा था कि भाई ये कहाँ पर है। मैं एक्वा को कहता हूँ कि भाई तू इसको स्पॉट करके रख और तकरीबन जो है ना इसको थोड़ा डरा के रखना, ये पानी से बाहर ना निकले। अब देखो ये पानी से थोड़ा पीछे ही जो है ना रुका हुआ होता है कि एक्वा शायद इसको मारेगा, लेकिन इधर से पहुँच जाता हूँ मैं मैका लेके और एक शैल हमारा ज़ाया हुआ और भाई हो गया नॉक। ठीक है, अब एक्वा कहता है कि भाई मैं इस बंदे को किल करूंगा, तुम जो है ना और शैल मत मारना। देन हम शैल नहीं मारने वाले, एक्वा खुद ही किल करेगा इसको। इस बंदे से हमें काफ़ी ज़्यादा गन्स मिली, यानी कि तकरीबन जो है वो तीन गन्स तो हमारी थी इसके पास और बाकी जो एवेंजर की लूट वगैरह थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी इस पे। और मैं एक्वा से कहता हूँ कि चलो भाई अब तुम बैठो मैका में और हम यहाँ से निकलते हैं बेस पे, क्योंकि अब जो है ना हमने इसे सारी गन्स छीन ली हैं। और इस बंदे को ना अभी कुछ गुस्सा वगैरह भी आया होगा। और इन लोगों को हमने भाई काफ़ी दफ़ा किल किया है और इनकी बहुत सारी गन्स और आर्मर्स हमने उठाए हैं और ये बंदे जो है ना काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे हम पे। उसके बाद जो है ना भाई एयरपोर्ट पे आ जाता है ड्रॉप। और फाइनली बात ये है कि भाई जैसे कि मैं हर दफ़ा करता हूँ वही सीन हुआ और मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, लेकिन यहाँ पर एक्वा ने रिकॉर्डिंग कर रखी थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये लोग ना मैका लेकर पहुँच जाते हैं फर्स्ट मिनट पर ही ड्रॉप पे। इनका बेस जो था वो लॉन्ग विंड प्लान पे था और मैंने आना था मिलिट्री बेस के करीब, मेरा बेस था वहाँ से। तो ये लॉन्ग विंड वाले यहाँ पर पहले पहुँच जाते हैं और भाई देखना यहाँ पर ये कितने बंदों को किल करता है और जो है वो कैसे मैसेज करता है बैटल पे। और जब हम आते हैं ना भाई ये आगे लग के भागने लगता है। तो अभी जो ना यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक्वा का व्यू और देखना कि भाई यहाँ ना ये कितने बंदों को किल करता है। और इसके जो दो टीममेट थे ना वो फ्लाइंग हॉर्स पे घूम रहे थे और ये जिन जिन बंदों को नॉक कर रहा था और किल कर रहा था ना वो उनके क्रेट उठा रहे थे। तो देन अभी देखना कि भाई हम इनको कैसे भगा भगा कर यहाँ पर मारते हैं और इनका ये वाला मैका भी हमने फोड़ देना है।
अब यहाँ पर जो है ना वो क्लियरली एक्सपोज हो जाता है कि भाई ये लोग कैसे चीट यूज़ कर रहे हैं। यानी कि भाई हम परेशान थे कि हमारा जो है ना वो इन पर डैमेज ही नहीं मिलता और ये लोग जो है वो हमें सिर्फ दो बुलेट्स में जो है वो किल करके निकल जाते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर कितना हैवी किस्म का चीट यूज़ हो रहा है, यानी कि उस बंदे पर एम बन ही नहीं रहा। जब भी उस बंदे पर एम बना कर फायर करते हैं भाई, एम खुद ही चेंज हो जाता है, यानी कि दूसरी तरफ घूम जाता है। तो अभी जो है ना यहाँ पर वो एक्सपोज होंगे और इन लोगों को जो है वो हम रिपोर्ट भी करने वाले हैं और इन लोगों को बैन करवाने वाले हैं। और इन लोगों की भाई एक और भी चीट जो है यानी कि मैंने प्रूफ के तौर पर रखी हुई है और इनको हम उस पर भी जो है वो बैन करवाएंगे। और भाई मैं चाहता हूँ कि इनका जो है ना पूरा लीजन बैन हो जो के साथ मिलकर खेल रहे हैं, तो इनको सबको हम बैन करवाएंगे। और भाई जो प्रूफ्स है ना वो सारे मैं इकट्ठे करूँगा और एक ही बार में इन सबको रिपोर्ट करूँगा। अब इस बंदे को जो है ना हमने रिपोर्ट कर रखा है और ये बंदा जो है ना वो बैन हो जाएगा, लेकिन इसके जो बाकी टीमर्स हैं ना उनको भी बैन करवाना है भाई, क्योंकि ये चीटर को साथ लेकर खेल रहे हैं। और भाई सिर्फ टाइम इनका बहुत कम है, तकरीबन 600 घंटा या फिर जो है वो 400 घंटा है, लेकिन भाई हैक बहुत हैवी किस्म का है इनके पास। तो देखो अभी जो है वो क्या बनता है और यहाँ पर देखना कि भाई ये कैसे यहाँ से फुदक कर निकलता है। और भाई एम ही नहीं बनता इस बंदे पे, यहाँ पर देखो